घड़ी टूट चुकी है यहाँ पे, टूट चुकी है। हम्बल रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट। तुम्हारा नाम क्या भाई? कमलेश। ओए ब्लू वाले में है वो, जा दोबारा जा। तू मेरा भाई है, तुझे पता है उनके मेले में खो गया था। अरे लो ना फोटो, मैं वीडियो बना रहे हैं यार। समीर भैया के अलावा किसी से करवा दे, बताइए। ऑलराइट सो गाइस, अभी सुबह का टाइम हो रहा है 4:30 और अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने, क्योंकि अगर हम 10-11 बजे तक जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो हमें यहाँ से नकोदर भी जाना है, इसलिए हमें यहाँ से आज सुबह ही निकलना है 12 बजे तक। तो अभी हम सारे रेडी हो चुके हैं, हमारी होटल के सामने कार खड़ी है हमारा होटल, सो अभी हम चलते हैं। आओ चले, स्नान भी करना है तू करेगा? ठीक है चलो, तो अभी देखते हैं कैसा है, कितनी भीड़ है, क्या क्राउड है। ऑलराइट, सबसे पहले हमने लंगर खा लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें भूख लगी थी रात से, और जितनी मजाक मस्ती होनी थी हमने कर लिया। अब मेन टाइम आया जिस चीज़ के लिए हम आए थे, अब हम मत्था टेकने जा रहे हैं अंदर, और सबसे पहले स्नान करेंगे उसके बाद हम मत्था टेकने जाएंगे अंदर। तो काफ़ी भीड़ है अभी, अभी मैं आगे जाकर आपको दिखाता हूँ। और मेरे चैनल के ऊपर अमृतसर का पहला ब्लॉग आ रहा है, 3 से 4 बार आ चुका हूँ इससे पहले भी। सो गाइस, यहाँ से जैसे मतलब कोई भी दर्शन करके आता है तो ये लंगर हॉल है, फिर वो लंगर करने जाता है। तो अभी तो हमने तो कर लिया, हम चलते हैं अंदर। एक नंबर बचा कितने के? कितने?
दो दे दो, 10 किलो एक ही है। मोनू भाई ने मोनू भाई से पैसे मांगता रहा, तब तो कह रहे पैसे नहीं है। हाँ, उसके बाद मोनू जो जो भाई ने बोला तो एक मिनट में पैसा दिए, कैमरा नोटिस करो, बैन करूंगा उसको मैं। हेलो हेलो, पढ़ो लिखो। बूची भाई रेड बिल्डिंग, रेड बिल्डिंग से पहले फेल हो गए थे बूची भाई, नोट करना ये 5वीं फेल है। फोटोग्राफर, वो फोटोग्राफर जुरार पर था फोटोग्राफर। So guys, इतना ना मिलके ये तो पेन नहीं चल रहा, इतना ना मिलके मेनू बहुत बढ़िया लगया। तुम्हारा नाम क्या भाई? कमलेश। कहाँ से है बक्के? कमलेश। सो गाइस, फाइनली एकम ने दिल खोला है, तो एकम ने फैंटा लिया, वो भी एक 5 घंटे बाद जाके फैंटा लिया एकम ने। एकम ने अपना दिल और बिल दोनों खोले हैं। हाँ, तो आज चमन भाई दे स्टैम आया से, चमन भाजी साढ़े बूची जी, बूची जी नो असी गिम्बल का कम सौंपता है, गिम्बल का कम संभाल रहे हैं बूची जी, आए कर दो। ओके सो गाइस, सुबह हम दर्शन करके आ चुके थे हरिमंदर साहब से, तो हम आके सो गए सीधा, और अभी टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं, और हमने होटल खाली करना है यहाँ से, क्योंकि हमें अब थोड़ा पीछे की साइड को जाना है, नकोदर की साइड को, वहाँ से अपने 2-4 फ्रेंड्स हैं उनसे भी मिलना है और नकोदर में मत्था टेकना, तो हमें यहाँ से आज होटल खाली करना था, जो कि हमने कर दिया है। थोड़ा हमने लेट करा 2 बजे तक, तो 500 रुपये उन्होंने फाइन करा साथ में, वो तो चलो कोई बात नहीं, पर क्या करें, थके बहुत बड़े से। कितने दिए? 1500 रुपये दूंगा। दे दिए और क्या, मेरी बात तो सुनो एक बार, अगर 500 रुपये तो भाजी को दे दो यार। 450 रुपये तो उन्होंने तुम देना। ओके सो अभी हम जा रहे हैं अल्फा मॉल किसी से मिलने, उसके बाद हमें शाम को जाना जलंधर, तो अभी यहाँ से हमें रास्ता पूछना था, बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी है पंजाब में। मोहन भाई गर्मी लग रही है? नहीं अंदर तो नहीं लग रही, वैसे बाहर अंदर तो नहीं लग रही, बाहर बाहर हमारा शिकंजी पी रहे हम साथ में, सामने से हमारा एक साथी बाहर खड़ा है, उससे पूछ सकते हैं क्या हाल है। शिकंजी ने हार्दिक को पहचान लिया कि हार्दिक ये वीडियो बनाता है, तो हमें फ्री दे रहा है, उसकी जेब में जो कैश था वो इसको दे रहा है हार्दिक को। गर्मी है पूछी बार? बहुत ठंडी है भाई, बाहर ही रहता अंदर क्यों? परसों? नहीं नहीं अभी अभी नहीं नहीं परसों, अभी परसों, अभी बोल ना समझा रहे मास्क इस पे भी नहीं है, मोना मास्क कहाँ चले गए? ओए ब्लू वाले में है वो, जा दोबारा जा, वो मेरा भाई है तुझे पता है, घूम के मेले में खो गया था, जल्दी जा लेकर आ, तो ठंडा आते ठंडा मैं करूंगा, चला ठंडा दिल ले आ रहा है पीने का, जल्दी जा आ जाकर दोनों घड़ी पे यार। नहीं यार गूंद का तीरा गर्म होता है, बताओ मोनू भाई क्या गर्म होता है? गूंद का तीरा गर्म होता है, इतना गर्म होता है, क्यों करवा लिया? हाथ में तो हाथ तो जल गया, हाथ में पकड़ा था, हाथ जले तेरा। उधर नहीं जा सकते? हाँ, चलाओ उधर चलिए। किधर आना है? चलो मैं नहीं जा रहा, तुम जाओ। क्यों? तू जा जा। क्या लगे साडे नाल अपने वीर भाई सारे जानते होने, चलो आ फोड़ो फोन। कहाँ पे? बीच में बैठो, नहीं नहीं वो चीनी डाल रखी, वो कुर्ता में डालू तो आती। ओके सो यहाँ पे हमने जितनी वीडियोस वगैरह बनानी थी हमने बना ली, अब यहाँ से हम कुछ खाने जा रहे हैं। बीर भाई कुछ खाने को ले चलो यार, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। भाई मैं पूछ रहा हूँ आपको खाना क्या है ये बताओ। कल तो कुछ पीना है, प्यास लग रही है बहुत ज्यादा, मुंह सूख रहा है। चलो लोकेशन बहुत प्यारी थी मेरी। हाँ लोकेशन अच्छी है ना? आओ चलिए। तो सब तो पहले आप पीने हैं हिंदी हिंदी बोलो। सबसे पहले हम कुछ पीते हैं, अगर आपको कुछ खाना है जो टिपिकली खाना है कुछ, तो यहाँ पे पकौड़े मिलते हैं। नहीं नहीं पहले कुछ खाते हैं,
पकोड़े मिलते हैं, पहले कुछ पीते हैं, पहले पीते हैं, प्यास लग रही है। सो गाइस ये वो लोकेशन थी और ये सामने नहर है। सो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, कुछ खाने पीने चलते हैं। आओ मोहन भाई। ओहो रास्ता ही बंद पिया। ओके सो उस लोकेशन से वीडियो वगैरह बना के अभी हम जा रहे हैं, कुछ खाने पीने, भूख लग रही है, सुबह कुछ नहीं खाया और हम भीड़ भाई की गाड़ी में घूमते हुए। हमने अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी कर दी मोनू भाई? पेट्रोल बचा रहे हैं, पेट्रोल पेट्रोल बचा रहे हो, क्या बात है। दबा के रखता हूँ चालू, वो भी टूट गई। देखो सो गाइस ये मोनू जितनी भी अपने रील्स पे घड़ी बनाती है वो रील्स बनाती वाली घड़ी है सारी ऑफ होती है। एक बारी कोई भी कमेंट करके पूछ सकता है कि एक बारी ऑन करके दिखा दो, स्पेशल डिमांड है, हम्बल रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। जरावर भाई इस हम्बल हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज़ मेरी वीडियो भेज दो वो वाली जिसमें मैं एक्सरसाइज कर रहा था और उसको एडिट कर देना भाई थोड़ा, प्लीज़ भाई, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ओके सो अभी हम आए हैं यहाँ पे बड़ी फेमस चाप खाने, वीर भाई सानू खिला रहे ने, बाकी साढ़े बच्चे बिच्चे बैठे थे। क्या 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 तुम्हारे बालों को क्या हो गया? एक नंबर भी दे, एक नंबर। तातिया। तातिया कटिंग करानी है भाई ना दी। और मंगाना रुमाल रोटी दो और। पाजी। ऐ पाजी एटीएम जो पैसे कटा के आए ने। एक हमने 700-200 रुपए दिल्ली वाली आदत पई हुई है। केड़ी? कैश ना कैरी करन दी। अच्छा। हर किते गूगल पे पेटीएम चल जांदा। अच्छा अच्छा। इत्थे कई जगह नहीं चलदा। पर ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੈਰ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਇੰਜੇ ਦਿੱਲੀ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਦੋ ਹੁਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਜਲਦੀ गुड नाइट होंगी है, 12-1 बजे मॉर्निंग होंगी है। अपनी कार उठाने के लिए क्योंकि यहाँ से हमें जाना है, पहले मोनू भाई को कटिंग करवानी है, थोड़ा सुंदर सुंदर हो जाएंगे थोड़ा कटिंग करवाने के बाद, और मेरे को अपने बाल सेट करवाने हैं। तो वीर भाई अभी गए किसी काम से, 1-1.5 घंटे तक आएंगे, तब तक हम अपनी कटिंग वगैरह करा लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ चलते हैं। और आज ही हमें जलंधर की साइड को निकलना है, और आज ही हमें शायद कपड़े लेने हैं, शायद आज ही कल लेंगे, वरना उन्होंने जलंधर से ही लेंगे ना भाई, कल ही लेंगे आराम से, अभी कल कपड़े लेंगे। अभी मॉल में चलते हैं, कार उठाते हैं, पहले पार्किंग खड़ी है। सबसे बढ़िया चीज़ ये है, मॉल के अंदर भी ले आए हैं और हम यहाँ पे चलाएंगे आराम से, रख दे ये ले।
ओके सो सलून से भी आ गए, मेरे बाल सेट हो गए हैं। बाल तो काफ़ी अच्छे सेट कर रहे हैं, करवाए हैं, मतलब करे हैं उन्होंने। मेरे को ना मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, आगे खड़ी है। तो अभी एक हम अपनी विडियोस बना रहा अंदर, अब यहाँ से चलते हैं कहीं ना कहीं। एक हमने कटिंग कराई है, मैं तो भाई तुम्हें तो पता ही है, समीर भैया के अलावा किसी से करवा दें तेरे को पता ही है, किसी और ही कैंची लगने नहीं देता मैं सर पर अपने, उनसे मैं करवा के ही आया था। वैसे भी बस सेट करवाए थोड़े से। जट दी मशूक बीबा रशिया तो हो, जट दी मशूक बीबा। और यहाँ से हमने स्प्रे भी लिया अपने लिए, क्योंकि हमारे वहाँ काफी महंगी पड़ती है। भाई वीरे थैंक यू, बड़ी सोहनी कटिंग आती है वीरे। पंजाब दी गलियां से आप हांडते हुए, सो नेक्स्ट टाइम गाड़ी फुल करवाने लगे हैं। एक बारी दिल्ली से करवाई थी, तो अब कितना पड़ा है, 15-15 की एवरेज दे रहा है। बस दोबारा फुल कराएंगे, हमारे हार्दिक भाई दे दे सारी पेमेंट। पैसा ही बहुत है, क्या करे। ये देखो इतनी जेबें बना रखी है कि पैसा ही देखो, यहाँ भी पैसे दिखा दे एक बारी चेस्ट, दिखा दे चेस्ट तो दिखा दे अपनी। हमारे सबसे ज्यादा अमीर बंदा कौन बैठा, हमारे बीच में सबसे अमीर बंदा बैठा है पीछे हमारे, ये बूची, हम इसके ड्राइवर, तू इसका सीईओ है। गाड़ी उतरने से पहले तो उसका गेट खोलता है और मैं इसका ड्राइवर हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ यहाँ पे। वीर भाई जिस काम से गए थे वो दोबारा आ रहे हैं यहाँ पे, फिर हम कहीं ना कहीं चलते घूमने फिरने, फिर यहीं से ही हम सीधा जलंधर जाएंगे। आज कितने रुपए लीटर है? 102 रुपए। 103? ओहो, अपने दिल्ली 100 रुपए लीटर है। पानी पानी की गड्डी निकालनी पड़ेगी उनके, दिल्ली महंगा पेट्रोल, पंजाब भी महंगा। ओके सो वीर भाई आ चुके हैं, तो अभी हम सामने वीडियोस वगैरह बना के आए थोड़ी बहुत, तो अभी हम जा रहे हैं सीधा स्टारबक्स। मास्क मेरा उधर पे है, उधर पे है, वो गड्डी से पे है। आओ आओ, मेरा मास्क लेकर आइयो, गाड़ी में बड़ा है। आ गई अपनी अपनी कॉफी सब्जी, 5-star होटल कैसे का सामान कहता, 2.5 लाख सब मेरे जेड ही लगा देते हैं, जे जे की जगह जे है मेरा, जेड लगा देते जोर आवा, कोई नहीं। ओ जाने वीरेन भैया, वीरेन भैया आ गए, वीरेन भैया मैजिक हो गया, छाती चक्के।